देखिए, अभी ये जो हमारा साग है, जो मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और अभी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कल ही पानी दिया था, सॉरी फिंगर, कल ही मैंने पानी दिया था, और आज आप पता लगा सकते हो, देखो मिट्टी जो है ना सूख गई है। मिट्टी जो है ना मतलब नीचे सूख गई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये वाला साग जो है ना मैं काट के इसकी सब्जी बना लूँगी, क्योंकि रात के टाइम में, अगर देखो आप बोलते हो कि रात के टाइम क्या करती है, अगर ये ज़रा भी गेट खुला रह जाए ना तो आवारा पशु यहाँ से आ जाते हैं। तो इसलिए रात को जो है मेरा सबसे पहले काम जो होता है, यहाँ पे है क्यारी छोटी सी, इसको बचाने के लिए मुझे रात को आना पड़ता है। और ये देखिए, कल मैंने ये सारी यहाँ से क्यारी जो है ना साफ़ कर दी है। यहाँ पे लगाऊंगी मैं मिर्चों के पौधे, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर से जो है ना क्या बोलते हैं हम, पाला नहीं पड़ता है, ठीक है, तो सेफ बच जाएंगे यहाँ पे पौधे जितने भी होंगे, सेफ बच जाएंगे। और ये देखिए, कल यहाँ पे ना सॉरी, इससे पहले यहाँ पे जो पौधे लगे हुए थे ना, जो क्यों वगैरह के, तो ये देखो ये रखे हैं मैंने, मैं इनका बीज निकाल लूँगी। और जिस टाइम पे ये पौधे लगाए जाते हैं ना, तो ये तो मैं वैसे उठा लूँगी, यहीं पर रहने दूँगी थोड़े दिनों के लिए, ये जब सूख जाएंगे तो इनका बीज निकाल के रख लूँगी लगाने के लिए, अच्छा हो जाएगा। ये मैं और प्रिशु जा रहे हैं, इसको भाई थोड़े से क्या खाने हैं, क्या खाने जा रहा है प्रिशी, तूत तूत खाने जा रहा है, तो ये आगे आगे साइकिल लेके जा रहा है, पीछे पीछे से हम भी चले हैं। क्या कर रहा, तू गिर गया था अभी, एक्टिंग मत कर, सीधा चल या इस साइड, या कर देगा क्रॉस, या मैं करूं ऐसे। और ये देखिए, अभी इसने जो है साइकिल साइड में खड़ी कर दी है। और क्या करना अभी, क्योंकि यहाँ से जो है ना बाइक स्कूटी वगैरह आती है, तो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो चल निकल। ये अभी ये किस लिए बना रहा है पत्ता, बता मेरे को, ये पत्ते पता किस लिए बना रहा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। बच्चे चप्पल नहीं डालनी है, चप्पल खोल के जाना है, चप्पल वहाँ उतार दे, चलो 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 चलो। ओ ये वाले पत्ते मत ले, ये पत्ते पता किस लिए ले रहा है, ये इसका क्या करेगा, तूत के पत्ते लेके इसका ये एक क्या बनाएगा, डूनू बनाएगा, डूनू लिफाफा, ठीक है। और ये हमारे नाग देवता जी के दर्शन कर लो, जय हो नाग देवता जी। और जो दो तूत के पेड़ तो आपने देखे थे, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी, ये देखो कितनी अच्छी तरह से पक चुका है यहाँ पे तूत का पेड़, और बहुत अच्छे तूत भी लगे हुए हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो लाल लाल पीले पीले तूत कितनी अच्छी तरह से लगे हुए हैं, है ना, बहुत अच्छे तूत लग रहे हैं। अभी प्रिशु जो है ना, दे मैं बनाती हूँ, दे मैं बनाती हूँ तेरे को, मैं ये कप सा बना देती हूँ, मेरे पास दे, बन गया बता, हाँ अच्छा बना, चलो चलो चलो। और ये देखिए यहाँ पे ये तूत उतारेगा, और मैं पीछे इसको टिका देता हूँ, यहाँ से लकड़ी ले लेना, लकड़ी से अच्छा बनेगा। ये है कुछ यहाँ के आसपास का व्यू, जाते जाते तो मैं दुकान से आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठ के आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ। कणक देखो कितनी अच्छी लग रही है, गेहूँ गेहूँ देखो, इसमें तो सिल्ले भी पड़ गए हैं, अब ये देखो कितनी अच्छी गेहूँ लग रही है। ऊपर नहीं नीचे से निकाल यहाँ से, ये देख लाल लाल है तो है, इनको निकाल, ये देख मैं चप्पल पहन के, चप्पल उठा के लाना यहाँ पे, तो ये देखो कितने अच्छे तूत लग रहे हैं, खट्टे खट्टे। तो ये प्रिशु जिद कर रहा था, तो यहाँ पे मैं आगे इसको तूत 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 खिलाने के लिए, अभी तक इसने स्टडी भी नहीं की है, ठीक है, अभी तक इसने स्टडी वगैरह कुछ भी नहीं की है। ये देखो तूत दे रहा मेरे को, हाँ ये मीठा है, क्योंकि स्कूल से आते ही इसने शर्त रखी थी कि मम्मी मुझे तूत खाने जाना है, नीचे देख के लिया कर, नीचे देख लिया कर, नीचे बच्चे सांप वगैरह भी होते हैं, गिरना नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आ गई। तो हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजू गुरु भादवा चैनल में, एक हाँ बोलते हैं अभी इंट्रो दे रही है, हाँ अभी देने लग पड़ी इंट्रो,
एक नई वीडियो को लेकर आकर आपके सामने आई हूँ। अभी नई वीडियो मतलब हर दिन हम वीडियो शूट करते हैं, हर दिन एक नया ब्लॉग आपके सामने लेके आते हैं। तो भाई जैसे हम दिन गया अगला दिन चढ़ता है तो एक नई चीज़ हम आपको बताते हैं, नया नया हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हो। तो नए ब्लॉग में नई चीज़ को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे प्रिशु के साथ दूध इसको खिलवाने के लिए आई हूँ। का ढूंढना मैं डालती हूँ, बाकी पुरु जो है ना अपनी बुक्स में लगा रही है कवर। मैं वहां बैठ जाऊ, तेरे को बना, तेरे को पकड़ बला, पकड़ बला, तेरे को बनाने नहीं आया, मैं बनाती हूँ। जी मम्मी बना रही है मेरी। हाँ ये आपकी मम्मी बना रही है, देखो इसको पत्ते को ऐसे लेना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखा, देख लिए ना? देख लिया। अब ये जो आपने ये वाली वो स्टिक ली है ना, पीछे होके खड़े में पीछे हो जाओ, ये जो आपने स्टिक ली है ना, ये स्टिक को यहाँ पे ऐसे लगाना है ऐसे और ऐसे। ये देखो बना डूनो, बन गया ना। अब इसमें देखिए वाले जो तूत है ना ऊपर करके पीछे पीछे हो जा, ये जो तूत ली है ना इसमें ऐसे पीछे हो जा, मैं उतारती हूँ पीछे होके बनाओ। स्टॉप स्टॉप, इतना दूर नहीं दिखेगा तू। ये ऐसे डालूंगी मैं। अच्छा रुको मैं यहाँ दिखा लेता हूँ, ये है तूत, ब्लैक तूत। ये देखिए ये प्रिशु के लिए मैं पक्के पक्के तूत उतार रही हूँ, मीठे मीठे बता। ये देखो मीठे मीठे तूत उतार रही हूँ, है ना? ये देखो सारे उतार देने, ये पूरा भर देना ना, पूरा भर देना, दूसरा भी ले लेंगे उसको भर देंगे। दूसरा नहीं एक ही, पढ़ाई भी करनी है। नहीं जल्दी जल्दी भरेंगे, जल्दी जल्दी भर दो रही हूँ, यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ ऊपर। बता पेड़ देख कितना अच्छा लग रहा है, इधर दिखेगा ही नहीं, छोड़ दे दिख रहा आगे से पीछे। ये देखो ये देख कैसे लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है ना। शाम का टाइम है, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सुकून सा लग रहा है। मैं तो चौकड़ी मार के बैठ गई हूँ और ये प्रिशु अभी यहाँ पे उतार रहा है तूत, जो पक्के पक्के हैं सारे उतार ही ले, पुरु को भी लेके चलना। अच्छा सारे उतार रहा है, अभी मई का लास्ट मंथ चल पड़ेगा ना, मतलब जब महीना ख़त्म लग पड़ेगा वो ना अप्रैल का, तो मई के लगते और जून के एंड तक तो हम क्या मतलब इस बार हमने तो गेहूँ लगाई नहीं है, सारे गेहूं काट के कटवा के फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे बैठने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बता ये देखो कितने सारे इसने तूत लिए, बड़ी देर से जिद कर रहा था चलो 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 तूत लेने चलो, अभी इसके बाद इसकी स्टडी करनी है, फटाफट हो जाओ रेडी, चलो हो गया बच्चे हो चलो, अब चलो ठीक है अभी घर चलते हैं, देखते हैं पुरु को भी थोड़ी देर के बाद अभी क्या करना है, लग जाएगा पता है ना। चलो गिराना नहीं है, चलिए चलते हैं अभी घर, क्या कर रही है पुरु उसको भी देखते हैं, इतना ही है। नहीं बस चलो बच्चे। तो हाँ जी दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी डेली की रूटीन जो है वो इस तरह से कुछ होती है, घर का काम, सॉरी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को छोड़ने जाना, उनको लेने जाना, उनका टिफिन पैक करना, साथ में घर के जो काम होते हैं, कुछ इस तरह से ही हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही होती है। और यूं ही बस टाइम निकल रहा है, वो बोलते हैं कि टाइम किसी का वेट नहीं करता है, इसलिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो उसी तरह से कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई काम हमारा टाइम से ना हो तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है, तो हमें टाइम के अनुसार चलना पड़ता है। और हालांकि चलना भी चाहिए टाइम के अनुसार, क्योंकि आजकल जो इंसान टाइम के अनुसार चलता है ना, वही ज़िंदगी में बहुत बड़े मुकाम को हासिल करता है। ये तो मैंने बात एक बार मतलब नोटिस करके रखी है। तो चलिए अभी जैसे बच्चों की स्टडी हो रही है, थोड़ी देर में इसको छोड़ के थोड़ा सोप में गई थी। ये चिटर पुटर घर के यार खाने के सामान का कोई पता नहीं चलता, कभी एक चीज़ नहीं होती है, कभी दो चीज़ नहीं होती है, इकट्ठा सामान डाले तब भी प्रॉब्लम होती है। मैं थक गई हूँ बस, मतलब मैं और मतलब दिन भर इतनी थकती हूँ ना, मतलब सच बात बोलूँ तो
सोचती हूँ कोई मेरा काम करके दे दे, लेकिन क्या करें, जिंदगी का नाम शायद इसी को ही बोलते हैं, इसी को ही जिंदगी बोलते हो गई। तो चलिए अभी हम इसकी स्टडी करवा लेते हैं ना थोड़ी सी। पूरू अभी किचन में गई है अपने टिफिन वगैरह, टिफिन टिफिन धोने गई है। अभी जीके का होमवर्क कर रहा है, करवा लेती हूँ इसको भी।